हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सस्पेंशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला सस्पेंशन सिस्टम डायनेमिक कंडीशंस में, जैसे कि जब व्हीकल हाई स्पीड में जा रहा हो, जब व्हीकल को शार्प टर्न लेना हो, जब ब्रेक लगाना हो, उस टाइम पे ये व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज करते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करता है कि रफ रोड कंडीशंस में ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो व्हीकल का मेन फ्रेम है उसमें शॉक नहीं लगता है। अब इसके वजह से ये होता है कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो स्मूथ होता है, राइडिंग स्मूथ होता है पैसेंजर्स के लिए भी और लगेज के लिए भी। अब सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो सस्पेंशन सिस्टम दो टाइप्स का होता है। एक होता है डिपेंडेंट सस्पेंशन और दूसरा होता है इनडिपेंडेंट सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स, डिपेंडेंट सस्पेंशन को समझाने के लिए मैं इंडिया में यूज होने वाले ट्रक्स का एग्जांपल लूंगा और इनडिपेंडेंट सस्पेंशन को समझाने के लिए फॉर्मूला वन कार का एग्जाम्पल लूंगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का पहला कंपोनेंट है नकल। नकल व्हील हब्स के ऊपर में माउंटेड होता है और नकल के हेल्प से व्हील्स और व्हीकल का सस्पेंशन कनेक्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे लिंकेजेस का यूज किया जाता है। नकल के साथ में किंग पिन और कैस्टर एंगल्स का यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से व्हीकल का फ्रंट व्हील राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में स्टीयर होता है। और फ्रंट व्हील के राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में स्टीयरिंग होने की वजह से पूरे व्हीकल का भी स्टीयरिंग होता है। नकल सेंट्रल बेयरिंग को हाउसिंग प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से व्हील्स हब का व्हील्स के साथ रोटेशन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्प्रिंग। स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। जब कार मोशन में होता है उस समय पे स्प्रिंग शॉक्स एंड बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ज्यादातर कार में चार स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है, जो जिसे डिजाइन किया जाता है इस तरह से ताकि वो कार के लाइफ टाइम तक यूज किया जा सके। अब जनरली स्प्रिंग स्टील के बने हुए होते हैं और ये सस्पेंशन सिस्टम का कोर कॉम्पोनेंट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है शॉक्स, जिसे हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसके अंदर में फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये स्प्रिंग के साथ मिलकर काम करता है और जब व्हीकल मोशन में होता है उस समय पे ये शॉक्स और वाइब्रेशंस को मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रट। स्ट्रट शॉक्स एंड स्प्रिंग को ज्वाइंट करने का काम करता है। इसके अलावा ये व्हीकल के सस्पेंशन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और जो शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग है उसका फ्लक्चुएशन जो होता है वो स्ट्रट के हेल्प से ही होता है। अब जो स्ट्रट्स एंड शॉक्स दो कंपोनेंट है, ये सस्पेंशन सिस्टम के बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो सस्पेंशन सिस्टम का मेन फंक्शन है यानी कि जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादातर इन दोनों कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एंटी स्वे बार्स। तो एंटी स्वे बार्स को सस्पेंशन सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि जब व्हीकल मूविंग पोजीशन में होता है, जब वो मूव कर रहा होता है उस समय पे एंटी स्वे बार्स व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली एक मेटल बार होता है जो कि सस्पेंशन के डिफरेंट साइड्स को आपस में जोड़ता है और इसका काम होता है कि व्हीकल को वाइब्रेशन से बचाना, उसको शॉक से कम करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉल जॉइंट्स। अब व्हीकल के सस्पेंशन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब व्हीकल मोशन में हो उस टाइम पे सस्पेंशन का आसानी से अप एंड डाउन मूवमेंट हो। ऐसा करने के लिए सस्पेंशन को स्पिंडल के साथ बॉल जॉइंट के हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। बॉल जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं जो कि सस्पेंशन को अलाउ करते हैं मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट। अब बॉल जॉइंट को ग्रीस के हेल्प से लुब्रिकेट किया जाता है और ये शील्ड होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पिंडल। स्पिंडल सस्पेंशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि व्हील एंड टायर को व्हीकल के स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जोड़ता है। अब मोस्ट ऑफ द व्हीकल में स्पिंडल फ्रंट में सिचुएटेड होता है और ये एक तरह का शॉर्ट एक्सल होता है जिसे यूज किया जाता है व्हील असेंबली को व्हीकल के साथ जोड़ने के लिए। अब सस्पेंशन सिस्टम के वर्किंग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट सस्पेंशन और इनडिपेंडेंट सस्पेंशन। सबसे पहले ये बात करते हैं डिपेंडेंट सस्पेंशन के बारे में।
डिपेंडेंट सस्पेंशन को समझाने के लिए हम इंडिया में यूज होने वाले ट्रक का एग्जांपल लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो जो ट्रक होती है जो कि डिपेंडेंट सस्पेंशन जिसमें यूज किया जाता है, उसके जो फ्रंट के दोनों व्हील है और जो रियर एंड के दोनों व्हील है, वो आपस में सॉलिड एक्सल के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने येल्लो एरो से सॉलिड एक्सल को दिखा रखा है। अब इससे होता यह है कि जैसे ही ट्रक मूव करता है और किसी भी एक व्हील में बम्प वगैरह आने की वजह से उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो वो जो मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट, वो स्लाइटली लिफ्ट करता है जो सेकेंड व्हील है, उसी फ्रंट एंड का या फिर रियर एंड का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि जो फ्रंट के दोनों व्हील है और रियर एंड के दोनों व्हील है, तो ये चारों व्हील या छह व्हील जितने भी हो ट्रक में, वो आपस में सॉलिड लाइव एक्सल के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइव एक्सल को आपको येलो आरो से दिखा रखा है। अब क्या होता है कि जो सॉलिड एक्सल है और जो फ्रेम है, वो आपस में लीफ स्प्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड होता है। ये आप देख रहे हो, ये है लीफ स्प्रिंग। अब लीफ स्प्रिंग क्या करता है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि ट्रक जो है वो रोड पे चल रही है और उसके लेफ्ट टायर के साइड में बम्प आया है, रोड बम्प आया। अब इस रोड बम्प की वजह से क्या होगा कि जो ट्रक का लेफ्ट टायर है वो हल्का सा लिफ्ट अप होगा, वो हल्का सा उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि रोड बम्प के आने की वजह से जो हमारे व्हील का अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, उसके वजह से जो सॉलिड एक्सल है, जो कि यहाँ पे मैंने येल्लो एरो से दिखा रखा है, अब ये सॉलिड एक्सल इस व्हील के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड एक्सल का भी अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जो व्हील के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से फोर्स जनरेट हुआ है, तो ये जो फोर्स है वो ट्रांसफर होगा कॉरिस्पॉन्डिंग राइट व्हील में। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों व्हील है वो आपस में लाइव एक्सल के वजह से रिजिडली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है कि स्लाइटली जो राइट व्हील है उसका भी अपवर्ड मूवमेंट होता है। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने येल्लो एरो से लीफ स्प्रिंग को दिखा रखा है। तो अब क्या होता है कि जो रोड बम्प के वजह से जो शॉक प्रोड्यूस होता है, उसे लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे यूज किया जाता है एक्सल और मेन फ्रेम के बीच में। अब जब भी ट्रक रोड शॉक को फेस करता है, यानी कि जब भी ट्रक गड्ढा को या फिर रोड बम को फेस करता है, तो लीफ स्प्रिंग जो कि पहले से ही स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी कि वो स्ट्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि इस तरह से ये रोड शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से हमारा डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम काम करता है। अब इनडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं। तो फॉर्मूला कार्स में इंडिपेंडेंट डबल विश्वन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूला कार के चारों टायर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, यानी कि इन चारों टायर का आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अगर एक में कोई भी शॉक आता है, मतलब कि किसी तरह का बम्प आता है, कोई गड्ढा आता है, तो उससे दूसरे टायर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फॉर्मूला कार है वो ट्रैक पे चल रहा है और उसके जो लेफ्ट फ्रंट टायर है वहाँ पे बम्प आया। ठीक है, और इंस्टेंटली क्या होता है, ये जो लेफ्ट टायर है वो इसके कांटेक्ट में आता है। अब क्योंकि इस रोड बम्प के वजह से क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मूला वन कार है उसका जो लेफ्ट टायर है वो हिट करता है इससे और उसका स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जो व्हीकल के चारों टायर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, चारों व्हील में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इसलिए ये जो फ्रंट लेफ्ट व्हील का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो उसी तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। अब इस रोड बम्प के वजह से जो शॉक प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्रेशन टाइप स्प्रिंग और डैम्पर्स, जिन्हें व्हील नकल और मेन फ्रेम के बीच में यूज किया जाता है, वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो शॉक का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो या तो डायरेक्टली होता है या थ्रू पुश शॉट्स होता है। अब ये पुश शॉट्स क्या करते हैं, इस शॉक को नकल से डैम्पर तक ट्रांसफर करते हैं और डैम्पर और कंप्रेशन स्प्रिंग, या फिर जिसे हम लोग डैम्पर स्प्रिंग भी कहते हैं, ये इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट डबल विश्वन सस्पेंशन में यूज होने वाले स्प्रिंग और डैम्पर्स के स्टिफनेस के वजह से ही क्या होता है कि जो फॉर्मूला वन कार जो कि ट्रैक पे इतने तेजी से दौड़ते हैं वो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, ट्रैक को छोड़ते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और ये इस तरह से काम करता है। अब ये जान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम के क्या अहमियत है और इसे यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है। तो डायनेमिक कंडीशन में ये जरूरी होता है कि व्हीकल का मेन फ्रेम
और व्हील के बीच में फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो। अब फ्लेक्सिबल कनेक्शन होने से फायदा ये होता है कि इनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे ये होता है कि जो व्हीकल का मेन स्ट्रक्चर है और जो अदर कॉम्पोनेंट्स है उसका डिफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये रिलेटिवली आपस में मूव कर पाते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। व्हीकल के मेन फ्रेम का जो ओवरऑल वेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं कि जो मेन फ्रेम के सारे कंपोनेंट हो गए और इवन जो पैसेंजर का भी वेट होता है, तो ये सारा वेट जो ऑटोमोबाइल का सस्पेंशन सिस्टम है उसके ऊपर ही सपोर्टेड होता है, तो इसलिए भी व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम का जरूरत होता है। व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम होने से फायदा ये होता है कि जो व्हीकल का टायर है और जो रोड है इनके बीच में एक फर्म कॉन्टैक्ट बना होता है। अब इस कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है कि व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है जब व्हीकल रोड पे मूव करता है। सस्पेंशन सिस्टम व्हीकल के स्टीयरिंग सिस्टम के साथ मिलकर व्हीकल को करेक्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है, इसका व्हीकल का करेक्ट अलाइनमेंट रखता है, इससे क्या होता है कि रनिंग व्हीकल को स्टेबिलिटी मिलता है। सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जो रफ रोड कंडीशन में जो भी शॉक्स प्रोड्यूस होता है उसे ये शॉक एब्जॉर्बर्स शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कॉकपिट के अंदर पैसेंजर और लगेज के लिए दोनों के लिए जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो स्मूथ होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले सस्पेंशन सिस्टम के टाइप, उसके कंपोनेंट्स और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड बाय।